Hello guys, welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. तो जैसे कि आप लोगों के कहने पर आज मैंने पहना है अबाया और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे तो ये देखो पहनना ही था. और अभी हम घर से ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाए क्योंकि जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि हम सुबह ही घर आए थे और फिर सोए नहीं थे. फिर घर आकर मैंने शावर लिया, हेयर वॉश किया, फिर मैं रेडी हो गई और उसके बाद मैं और काजल 10 बजे निकल भी गए. मतलब हम बिल्कुल भी सोए नहीं हैं. और अभी जैसे ही हमारी गाड़ी हम लोगों ने मतलब घर से ही वो हम लोगों को पिक करने आई है और वो लेकर जाएगी हमें अबू धाबी. फिर वहाँ पे जो जो होगा वो आपको मैं दिखाऊंगी, अपना प्रॉपर लुक भी आपको दिखाऊंगी और मैं काफ़ी खुश हूँ यार ये पहनकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी की जो चीज़ें रह जाएंगी वो काजल के ब्लॉग में आप देखना. और आज हम बहुत जगह घूमेंगे, बहुत सारी जगह. अभी तो हम कुछ खाने के लिए बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे देश में जा रहे हैं. पता नहीं क्यों, बहुत लंबा है रास्ता, 1.5 घंटा लगेगा हमें वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में. अभी तो काफ़ी पास है ना? अभी कितना पास है? 15-20 मिनट्स. आवाज़ किसकी है ये आप कमेंट करके बताना, मैं दिखाऊंगी नहीं आपको. ठीक है, बस एक ही बहुत है तुझे मुझे ना. मेरे फोन तो भाई सेकंड चपाती मैं नहीं खा पाऊंगी, आई एम सॉरी. सो गाइस, खाना कैसा है? ये कौन सा बहुत अच्छा होता है भाई? हाँ ये करा, खाओ खाओ. सो गाइस, यही वो गाड़ी है जिसके अंदर मतलब हम लोग जा रहे हैं घूमने. और आज हमारी जो हेल्प है वो मुदीन कर रहे हैं. बाकी ये वो जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, बहुत ही अच्छा था खाना. और अभी फिर अब चलते हैं अबू धाबी. 15 मिनट का रास्ता बता रहे हैं यहाँ से है. अच्छा, मेरा नाम मुबारक है. मुबारक पेशावर से. मेरा नाम बगैर गाइडिंग का गाइड की गाड़ी में एक बार चेक करके आते हैं, अगर कुछ मिलता नहीं तो फिर यहाँ से खरीदना पड़ेगा. तो मेरे हाथ जो है वो कवर हो गए, जाने नहीं दे रहे यार. मुझे तो लगा था मैं प्रॉपर वेल ड्रेस्ड आई हूँ पर फिर भी मिस्टेक हो गई, पता नहीं कैसे हो गई. पूछा भी था मैंने वहाँ पर जिससे आउटफिट ली थी ना कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ के लिए दिखाओ. बस इसकी वजह से नहीं जाने दिया, ये दिख रहा है सिर्फ इसकी वजह से. मुझे तो जाने ही नहीं दे रहे थे गाइज. बस आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं. अभी यहाँ पे व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मना है कई कई जगहों पे. मैं वॉशरूम आई थी तो मैंने इतनी बात आपको बताई है. और अभी चलते हैं और अंदर से आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है.
सो गाइस अभी ये अंदर से ऐसा है और अभी लाइन लगी हुई है यहाँ पे जाने के लिए, तो हम वेट कर रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे। ऐसा कह रहे काजल मगरिब ईशा अच्छा सारी प्रेयर टाइम ये जब आपके साथ यूरोपियन गेस्ट हो उसका पर डे का 600 दरम चार्ज। नहीं वैसे कितने का लाइसेंस ये तो 5000। चलो 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 अंदर से घूमा बाहर से घूमा मैंने आपको भी दिखाया और अभी वापस जा रहे हैं। काफ़ी वॉकिंग वॉकिंग था सब कुछ, लेकिन आते टाइम हम लोगों ने जो है वो आपने देखा कि विजिटर सर्विसेज के लिए इन लोगों ने यहाँ पे वो भी किया हुआ है फैसिलिटी। और अभी हम कहाँ जाएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अभी यहाँ से पहले बाहर निकल रहे हैं। सो गाइस वापस जाने के लिए भी वही सेम रास्ता है और बहुत सुंदर था यार ये मॉस्क, बहुत सुंदर। मैंने आपको अपनी अबाया लुक नहीं दिखाई क्योंकि कई जगह पर वीडियो बनाना अलाउ था, कहीं नहीं था, तो बस थोड़ा सा जैसे जैसे बना पाई मैंने बना ली। यार गाइस यार नॉर्मली ये गाड़ियाँ खड़ी मिलती है, मैं तो सच्ची में ना बस भगवान करे मुझे एक ऐसी गाड़ी दे दे, लेने लायक कर दे, मतलब लेने लायक। अब ये कौन सी कार है? सो गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी और काफ़ी चलने के बाद हम पहुँचे अपनी कार में और अब यहाँ से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाएंगे। और जैसे कि आपने देखा था मुझे जाने नहीं दिया था मास्क में, तो ये इसलिए नहीं जाने दिया था क्योंकि मेरे हाथ दिख रहे थे, मैंने आपको बताया था। तो फिर मैंने ये पहना, उसके बाद मुझे जाने दिया। और बहुत ज़्यादा मतलब जगह जगह वो था कि ज़्यादा देर आप वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते। कुछ कुछ स्पॉट थे जहाँ पर कुछ सेकेंड्स के लिए अगर आपको करना है फटाफट करो। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सुंदर तो बहुत था, बहुत ज़्यादा। और अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलेंगे दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है? हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, उसके बाद कहाँ जाएंगे? गैस आइलैंड। वो क्या है? आइलैंड। सुंदर। सॉरी गाइस बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी तो मैंने सोचा पूछ ही लेती हूँ कहाँ जा रहे हैं। गाइस ये एमिरेट्स पहले से इतना सुंदर, इतना सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। गाइस मैंने आपको दिखाया नहीं था मेरी अबाया लुक, अभी दिखा देती हूँ। तो इसको इस दुपट्टे ने बड़ा परेशान किया मुझे। और इस पैलेस की जो है क्वीन वो मैं हूँ।
वो बोलते हैं कि सो गाइस ये पैलेस तो बहुत सुंदर है। अभी पहले हमें प्रेसिडेंशियल पैलेस जाना था लेकिन हम एमिरेट्स पैलेस आ गए हैं और बस आप लोगों को मैंने दिखा ही दिया है, तो आप भी बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये इसका व्यू है, ये पैलेस तो बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा। आप दूसरे पैलेस जाएंगे जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस, और पर ये होटल है, ये होटल है एमिरेट्स पैलेस बता रहे थे ना नाम एमिरेट्स पैलेस। ओके, ये होटल है, होटल है तो बहुत सुंदर है। अलाउड नहीं है ये, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम गेस्टों में आप लोग हैं कि विदाउट पेमेंट यू पीपल एंटर टू दिस होटल एमिरेट्स पैलेस होटल 7 स्टार इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल। जैसे कि आपने सुना कि हम विदाउट परमिशन यहाँ एंट्री लिए, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे हमारी कितनी चलती है ना। अभी हम फरारी वर्ल्ड आए हैं। सबसे पहले आपने देखा मॉस्क, उसके बाद आपने देखा एमिरेट्स का पैलेस, एमिरेट्स पैलेस, उसके बाद हम लोग गए थे प्रेसिडेंशियल पैलेस, फिर एक डब्ल्यू होटल गए थे और अभी फरारी वर्ल्ड आए हैं। इसके बाद हमारी हिम्मत जवाब दे रही है, जितना घूमा जाएगा घूमेंगे और उसके बाद फिर सीधा घर जाएंगे। तो अभी देखते हैं फरारी वर्ल्ड कैसा है, मैं तो पहली बार आई हूँ। तो ये पूरा फरारी वर्ल्ड है आपका, ओ सॉरी, और यहाँ से आपको टिकट्स मिलती हैं। सो गाइज ऐसे यहाँ पे रेस होती है।